एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में एनिमल किंगडम से हमने देखे हैं अलग अलग फाइलम्स। फिलहाल हम क्लासेस कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के। अगर आपसे कोई भी फाइलम मिस हुआ है, मैं यहाँ पे आपको लिंक दे रही हूँ, आप उस लिंक पे जाके सारे फाइलम्स वन बाय वन देख सकते हैं। ये एनिमल किंगडम की प्लेलिस्ट है। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस। क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट आपको जो याद रखना है कि इन फिश के पास जॉज है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आपकी जो जॉलेस फिश थी एग्नेथा से साइक्लोस्टोमेटा में, बट अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है जॉ बियरिंग फिश, यानी कि इनके पास जॉ है। तो इनकी सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली, दीज आर मरीन एनिमल्स, यानी कि आपके ओशंस वगैरह में मिलेंगी आराम से। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो हम देखेंगे वो है कि इनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी है। जो अगर आप बॉडी देखोगे यहाँ पे डिफरेंट है, कोई हम्प नहीं है या कुछ नहीं, स्ट्रीम लाइन है, राइट? सो स्ट्रीम लाइन बॉडी है इनकी, एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक है ये, इनकी एक पर्टिकुलर चीज है जो आपको याद रखनी है। साथ ही साथ इनके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है। क्या है? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। जैसे मैंने कहा था पहले भी आपसे कि या तो बोनी होगा या कार्टिलेजिनस होगा, यहां पे जो एंडोस्केलेटन हम देख रहे हैं वो है आपका कार्टिलेजिनस। नेक्स्ट जो आपकी नोटोपॉड है, ठीक है, नोटोपॉड इज persistent and पूरी, मतलब पूरी लाइफ भर के लिए हमेशा इनके पास वो रहती है। ऐसा नहीं है कि लार्वा फेज में या इधर उधर। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये इसीलिए जो है ये आपकी फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूडेड है। जो आपकी नोटोकॉर्ड है दैट इज persistent throughout the life of the fish that belong to the class कॉन्ड्रिक्थाइस। नेक्स्ट पॉइंट, गिल स्लिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे गिल स्लिट्स के बारे में। गिल स्लिट्स के सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेपरेट है, ठीक है, और ऑपरक्यूलम, ऑपरक्यूलम यानी कि जो गिल्स पे एक कवरिंग होती है वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। दे आर विदाउट ऑपरक्यूलम, ऑपरक्यूलम इज एब्सेंट। गिल्स में जनरली फ्लैप जैसा होता है, कवर करता है गिल्स को, इनमें वो एब्सेंट है। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे है कि इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा टफ होती है, स्ट्रांग होती है। इनकी जो बॉडी स्ट्रीमलाइन है उसका होने का भी एक रीजन यही है कि इनकी जो आपकी स्किन जो होती है उसके स्केल्स डिफरेंट होते हैं। बाकी फिशेज में स्केल आपके नॉर्मल होते हैं, यहाँ पे आपको दिखेंगे प्लेकॉइड स्केल्स। प्लेकॉइड स्केल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और जैसे दांतों पे एनेमल होता है उस टाइप का ये काम करते हैं। इसी से नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि जो इनके टीथ हैं ये मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। मैंने आपसे पहले कहा कि प्लेकॉइड स्केल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं, वो टफर हैं, तो अगर टीथ है इनके मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स हैं तो और ज्यादा होंगे। और एक चीज, ये बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, मतलब पीछे की तरफ। सॉफिश में आपको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देंगे। यहाँ पे स्कॉलियोडॉन का एग्जाम्पल है विच इज द डॉग फिश। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जॉज। जॉज वाली फिश है, इनके जॉज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जॉज वेरी स्ट्रांग, एंड ये प्रीडेशियस होते हैं। प्रीडेशियस यानी कि प्रीडेटरी प्रे, यानी कि हमला करके अपने प्रे को ढूंढने वाले, यानी कि हमला कर सकते हैं, छोटे छोटे फिश वगैरह को खा सकते हैं। इनफैक्ट मैन ईटर्स भी ये होते हैं, तो ऑब्वियसली प्रीडेशियस है यानी कि हमला करने वाले। जैसे प्रीडेटरी का मीनिंग क्या होता है, जैसे लायन है, टाइगर है, ये सब प्रीडेटरी एनिमल्स हैं, ये हमला करते हैं अपने प्रे के ऊपर, तो हेंस दीज आर प्रीडेशियस। नेक्स्ट,
एक चीज में बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए जो फिश होती है उसके अंदर नॉर्मली एक एयर ब्लैडर होता है, एयर ब्लैडर में गैस फिल्ड होती है जो कि इनको फ्लोटिंग में हेल्प करती है। यहाँ पे एक एयर ब्लैडर एब्सेंट है इन फिश में, एयर ब्लैडर जो है वो आपका एब्सेंट है, तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टेंट स्विमिंग, कॉन्स्टेंट स्विमिंग करनी पड़ेगी वरना ये डूब जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक क्या देखी, एयर ब्लैडर जो है वो एब्सेंट है और इसी को यानी कि डूबने से बचाने के लिए अपने आप को इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है ताकि ये डूबे ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है कि इनका जो हार्ट है वो होता है टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, राइट। उसमें वन इज योर ऑरिकल एंड वन इज योर वेंट्रिकल, जैसे हम लोगों का फोर चेम्बर हार्ट है, टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स, वैसे इनका हार्ट जो होता है वो टू चेम्बर होता है, उसमें आपका एक होता है ऑरिकल और एक होता है वेंट्रिकल। अब कुछ होते हैं, कुछ फिश होते हैं जिनमें पॉइजन होता है जो स्टिंग करते हैं, और वो एग्जाम्पल है ट्राइगॉन, पॉइजन स्टिंग, ठीक है। तो जैसे कि मैंने वहां बताया आपको एग्जाम्पल क्या है, ट्राइगॉन, इससे इनके जो पॉइजन होते हैं ये अगर आपको लग जाए स्टिंगिंग, अगेन मैंने पहले भी इसका मीनिंग बताया यानी कि चुभता हुआ, तो ऐसे में अगर ये आपको लग जाता है आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉर्पिडो, इसके पास होते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स यानी कि ये करंट मारता है, तो ये दोनों ही खतरनाक है। ओवरऑल अगर हम बात करें कॉन्टेक्ट का, इसकी वेरी पावरफुल फिश एंड इनसे डरना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग भी होती है। नेक्स्ट 11th पॉइंट जो हम अब देखने जा रहे हैं वो है कि ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड यानी कि पॉइकिलोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड पॉइकिलोथर्मिक। पॉइकिलोथर्मिक का मीनिंग क्या होता है, पॉइकिलोथर्मिक वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, हम लोग नहीं है, वी कैन रेगुलेट अवर बॉडी टेम्परेचर, दीज कैन नॉट, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जहां तक इन फिश की बात है दीज आर पॉइकिलोथर्मिक। अब अगर हम बात करें कि इनके यंग वंस कैसे पैदा होते हैं, तो जो मेल्स होते हैं उनके पेल्विक फिन्स पे क्लास्पर्स होते हैं, क्लास्पर्स आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो मेल जो आपके कॉन्डक्ट थाइज होते हैं उनके पास होते हैं क्लास्पर्स, जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगेन बहुत ज्यादा मोस्ट ऑफ दीज आर विविपैरिस यानी दे गिव बर्थ टू यंग वंस। तो क्या हमने देखा, प्रेजेंस ऑफ क्लास्पर्स कहां पे, मेल्स में, और उसके अलावा विविपैरिस है और रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास कॉन्टेक्ट थाइज। बहुत ज्यादा टफ नहीं है बट हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स काफी सारी हैं जो आपको याद करनी होगी। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, डायग्राम्स को याद करने का, अगर आपको डायग्राम याद है, अगर आपको वो कैसे दिखते हैं याद है, पार्ट्स अच्छे से याद है, आपको याद रहेंगे। फटाफट एक रिविजन करते हैं, क्लास कॉन्टेक्ट थाइज कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले मरीन है, फ्रेश वाटर में नहीं पाई जाती, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, कार्टिलेजिनस स्केलेटन है। नेक्स्ट नोटोपॉड, इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, गिल स्लिट्स सेपरेट होते हैं विदाउट ऑपरक्यूलम, ऑपरक्यूलम क्या है, गिल स्लिट्स जो होते हैं, गिल्स जो होते हैं उनका कवर, तो वो आपका ऑपरक्यूलम जो है वो यहाँ एब्सेंट है। स्किन बहुत ज्यादा टफ है, प्लेकोइड स्केल्स है, प्लेकोइड स्केल्स आर अगेन वेरी टफ, और जो इनके टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड। नेक्स्ट जॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, प्रेडेशियस हमला करने वालों में से है। एयर ब्लैडर, यहाँ पे आपके ऑपरक्यूलम एब्सेंट है, यहाँ एयर ब्लैडर भी एब्सेंट है, और एयर ब्लैडर एब्सेंट है तो जो गैस होती है जो कि हेल्प करती है फ्लोट करने में वो एब्सेंट है, तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है ताकि ये डूबे ना। हार्ट
टू चेम्बर वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल। पॉइजन स्टिंग होते हैं जैसे कि ड्रैगन, टॉर्पिडो, उसमें है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स शॉक देने वाले। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, पॉइकिलोथर्मिक है, दे के नॉट रेगुलेट देयर टेम्परेचर। रिप्रोडक्शन सेक्शुअल है, मेल कॉन्डक्ट थाइज में पेल्विक फिन के पास क्लास्पर्स फाउंड होते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है एंड दे आर मोस्टली विविपेरस। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास कॉन्डिक्टाइज। अब फटाफट एक रीड कर लीजिए, एनसीईआरटी से फिनिश कर लीजिए, जैसे ही होता है क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपकी क्लास तैयार है। सो इन केस यू स्टिल हैव एनी इश्यूज डू कमेंट करिए, हमें बताइए क्या प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़िए, वहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ये चल रही है अभी जूलॉजी। इसके बाद डेफिनेटली कोई ना कोई मैं बॉटनी का टॉपिक उठाऊंगी क्योंकि वो भी थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। सो स्टे इन टच, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।